वेलकम बैक वंस अगेन टू अनदर व्लॉग। सो आज अभी मैं जा रहा हूँ, वेदर बहुत नाइस है और मैं जा रहा हूँ अपने एक फ्रेंड को पिकअप करने। वो इंडिया से आ रहा है आफ्टर सो लॉन्ग, लाइक आफ्टर 8 मंथ्स, जो मैं पूछ लूँगा उससे कितने टाइम बाद आ रहा है। तो मिलने जा रहा हूँ और उसे पिकअप करने जा रहा हूँ क्योंकि मेरा बहुत ही अच्छा फ्रेंड है वो। तो चलिए आपको दिखाते हैं। तो मेरे घर के पास में ही है स्टेशन, तो यहीं पर हम लोग बाय वॉक जा रहे हैं। तो चलिए आप लोगों को दिखाते हैं अब। और सुमित भी है साथ में, और सुमित के पैर में थोड़ी सी लग गई, तो कल ही हॉस्पिटल से आया ये। डर इस बात का है गाइस कि वो स्टेशन पे ऑलरेडी आना चुका हूँ, नहीं तो फिर यू नो बोलेगा मुझे। तो जल्दी चल सुमित, अभी फास्ट। रिसेंटली अभी थोड़े टाइम पहले ही मैंने इटालियन क्लास भी ज्वाइन करी है। आई मीन स्कूल में जाना पड़ता है, बेसिक से सिखाते हैं, ताकि मुझे सर्टिफिकेशन चाहिए तो उसी के लिए, तो वहाँ भी जाना है। लेकिन पता नहीं, अगर स्किप हो गई तो यू नो स्किप नहीं करना चाहता, पर फ्रेंड आ रहा है तो जाना भी ज़रूरी है। सो ज़ेब्रा क्रॉसिंग है, सारी गाड़ियाँ रुक जाएगी। और वो रहा स्टेशन, ये रहा ताज़ियोने कैसीनो, ये है यहाँ का ट्रेन स्टेशन। तो आइए देखते हैं कैसे होते ट्रेन स्टेशंस, ट्रेनी ट्रेन्स। यहाँ पर ट्रेनी इटालिया की ट्रेन चलती है, और आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ से हमें टिकट्स खरीदने रहते हैं इस प्लेस से, और ये है ट्रेन स्टेशन। यहाँ पर वी कैन सिट, वी कैन हैव फन, और वी हैव अदर ऑप्शन ऑल्सो। इफ़ यू वॉन्ट टू बाय टिकट फ्रॉम हियर, वी कैन बाय इट फ्रॉम ऑन हियर। और ये गेम जो मैं यहाँ पर खेलता था, और यहाँ पर आप फोटोज ले सकते हो अंदर, लाइक ए स्टूडियो। और यही है, और हमारी जो ट्रेन आने वाली है डिपार्चर्स अराइवल में रोमा टर्मिनस से 1640 पे आ रही है क्या वाली ट्रेन में, चेक कर लेते हैं। और जैसे ही हम लोग टिकट खरीदते हैं तो यहाँ पर स्कैन करना रहता है उस टिकट को, एंड देन वी कैन गो इनसाइड, तब जाके वो वैलिडेट होती है। तो ये रही ट्रेन, ट्रेन खड़ी है भाई, इसमें तो नहीं है, नहीं बहुत लंबा है ये स्टेशन, हम लोग वॉक करते जाएंगे बैक साइड, लेकिन नहीं, तो अभी तो नहीं आया है वो। तो चलिए वेट ही करते अभी थोड़ी देर हम। मुझे इतना बुरा लग रहा है कि मैं क्या बताऊँ, मैंने ट्रेन का टाइम नहीं देखा और वो ट्रेन आ चुकी है 3:40 पर ही, और मैं यहाँ पर आ रहा हूँ 4:00 पर, तो वो ऑलरेडी घर जा चुका है। अब पता नहीं क्या होने वाला है, देखता हूँ घर जाके मिल लेता हूँ उससे, लेकिन सॉरी। एंड गाइस अभी यहाँ पर न्यू रूल्स आए हैं, तो रात में आई थिंक 10:00 से मॉर्निंग 5:00 तक कर्फ्यू है यहाँ पर, तो इस बीच हम लोग बाहर नहीं निकल सकते हैं। तो ऐसे रिस्ट्रिक्शंस धीरे धीरे बढ़ने लग रहे हैं यहाँ पर भी। ओके सो गाइस, मैं आप लोगों को अब दिखाने वाला हूँ मेरा ओल्ड अपार्टमेंट। मतलब मैं बहुत सारे अपार्टमेंट्स में रह चुका हूँ अभी तक, तो आप लोगों को एक ओल्ड अपार्टमेंट रहता हूँ, क्योंकि वो मेरा फ्रेंड रजत जो यहाँ पर आया इंडिया से, वो इसी अपार्टमेंट में रुका, तो इस बिल्डिंग में रहता था मैं। तो लेट्स गो इनसाइड। तो यहाँ पर बेल रिंग करनी पड़ती, बट द डोर इज़ ऑलरेडी ओपन। ओ एंड दिस इज़ रियली अ कूल प्लेस, बिकॉज यहाँ पर एज यू कैन सी दिस चेयर्स, हम यहाँ लो यहाँ पर यू नो इवनिंग में बैठा करते थे, वी यूज़ टू हैव अ चिट चैट। सो दिस इज़ अ रियली वंडरफुल प्लेस। नाउ लेट्स गो इनसाइड, एंड आई यूज़ टू पार्क माय बाइसाइकिल ओवर हियर, लाइक दिस वन इज पार्क्ड, इज दिस माइन? नो। ओके लेट्स गो अप। नहीं, इधर देखते
मेरे भाई कैसी रही तेरी ट्रिप ये बता। अच्छी थी यार भाई, मजा आ गया। रुस्तान साहब बहुत प्यारी फ्लाइट है ना, मैंने बोला था ना, मैं जिस फ्लाइट से आया था मैंने रिकमेंड भी किया था रजत को, मैंने कहा उसी फ्लाइट पूरी खाली थी, आखिर में आराम से सोता हुआ आया मैं पूरा। हाँ आराम से, मजा आ गया। कितना कॉस्ट करी वो? 36,000। बैगेज कितना? बैगेज 23 प्लस। अच्छा एक और बैगेज नहीं लेकर आए? नहीं, तो सब बढ़िया रहा। सॉरी यार भाई मैं लेट हो गया, मैं पहुंच गया था लेकिन। तो ये रजत है, हम लोग मतलब आज से 2 साल से साथ में रह रहे हैं, और आज मतलब अब तक कितने मंथ्स आया तू? 9 मंथ्स। 9 मंथ्स स्टे करा है इंडिया में। अब मैं बताता हूँ, 2 ईयर्स में मैंने 10 मंथ्स करा है, तुमने? मैंने 9 मंथ्स किया है ना। हाँ। तो वैसे तो हम लोगों ने ज़्यादातर टाइम इंडिया में बिताया है। तो ये व्यू है और यहाँ पर मैं पहले रहा करता था। तो चलिए बात करेंगे रजत से और भी बाद में। सो गाइस उसको मना लिया, मुलाकात कर ली, वैसे तो कुछ भी नहीं बोला, बट मेरे को अभी जल्दी है क्योंकि मुझे अभी कुछ काम से जाना है, तो मैं वहाँ पर जा रहा हूँ और वो 5 o'clock पे बंद हो जाएगा, तो आई नीड टू गो अर्जेंटली। तो इसलिए अब उसे मैंने रात में डिनर पर बुलाया, तो उसके लिए कुछ कुक करेंगे, यू नो स्पेशल समथिंग ये होती है। तो मिलते हैं फिर अब नेक्स्ट व्लॉग में, आज के लिए इतना ही। आई होप ये व्लॉग आपको अच्छा लगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। टाटा बाय बाय। भाई बाय बोल दो एटलीस्ट। बाय।